बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपनी सिविक सीरीज़ की क्लास 26 के अंदर मैं आपको आइटम प्री प्रोसेसिंग विद जावास्क्रिप्ट, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आइटम प्री प्रोसेसिंग विद रिजिक्स एक्सप्लेन किया था। अब इस लेक्चर में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ करते हुए उससे रिटर्न वैल्यू गेट करवाऊँगा। सबसे पहले आपको अपना कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड दिखा देता हूँ। वार लाइन वैल्यूज डॉट स्प्लिट वार लाइन ज़ीरो। अब लाइन ज़ीरो क्या, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। जब आप रॉन्ग पासवर्ड दे के अपने मशीन पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपका ज़ेबिक्स एक एरर जनरेट करता है आपको। उस एरर का जो फर्स्ट लाइन है, एन अकाउंट फेल टू लॉग इन, ये आपकी लाइन ज़ीरो है। वार अकाउंट नेम, अब जो यूज़र होगा वो यूज़र, मेरा जो यूज़र था वो अकाउंट नेम डेल यूज़र में यूज़ कर रहा था। आपका जो भी यूज़र होगा वो आपको अपीयर करेगा इसमें। लाइन फॉर ईच फंक्शन, इफ लाइन ट्रिम सब स्ट्रिंग अकाउंट नेम, अकाउंट नेम लाइन सब स्ट्रिंग। अब ये इस लाइंस को रीड करते हुए हमें रिटर्न क्या करेगा, अकाउंट नेम प्लस लाइन ज़ीरो, यानी कि जो भी यूज़र नेम होगा वो आपको अपीयर करेगा और प्लस लाइन ज़ीरो। लाइन ज़ीरो कौन सी वाली, ये वाली, एन अकाउंट फेल टू लॉग इन। अब आते हैं अपने सर्वर की तरफ, मैं लॉग इन करता हूँ। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टेम्पलेट्स और विंडो बेसिक, यहाँ से आपने आइटम को सिलेक्ट करना है और फेल लॉग इन प्री प्रोसेसिंग। अब ये कुछ वैल्यूज़ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एंटर की थी पैरामीटर्स, अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ ऐड करता हूँ। नेम रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करके कस्टम स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब इसका पैरामीटर्स क्या है, आपने यहां से ये कॉपी कर लेना है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में कोड डाल दूंगा। फंक्शन वैल्यू और रिटर्न वैल्यू, यानी कि ये जो मैं पेस्ट करूंगा ये अब इसकी वार लाइन लाइन जीरो अकाउंट नेम रिटर्न अकाउंट नेम लाइन जीरो, इसको एंटर करने के बाद आपने अप्लाई करना है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब टेस्ट यहाँ वैल्यू, वैल्यू कौन सी वाली आपने एंटर करनी है, ये वाली, ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, तो दिखा देता हूँ। अप्लाई करता हूँ और यहाँ मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये इसने यूज़र नेम उठा लिया डेल एंड अकाउंट फेल टू लॉग इन और वेरी फर्स्ट लाइन जो लाइन ज़ीरो है वो उसने डिटेक्ट कर ली बिल्कुल, यानी कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। इसको अपडेट करते हैं। अब आते हैं लेटेस्ट डेटा पे, हिस्ट्री पे। ये इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, जो लास्ट रॉन्ग अटेम्प्ट्स हुई थी तो ये हिस्ट्री शो कर रहा था। अपनी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको लाइन ज़ीरो और यूज़र नेम और इसको मशीन नेम डिटेक्ट करना उसके थ्रू सिखाया था। अभी लेटेस्ट डेटा पे आते हैं। यहाँ अब मैं आता हूँ अपनी मशीन पे। अब इस पे रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, डेल पासवर्ड रॉन्ग देते हैं इसके अंदर। इसको मिनिमाइज करते हैं। अब हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं फॉर टाइम सेविंग के लिए। एरर जनरेट हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसने अकाउंट नेम और लाइन ज़ीरो दोनों टुगेदर शो कर दिए। अब मैं प्रीवियस हिस्ट्री आपको दिखाता हूँ, लास्ट 30 डेज। अब ये वेरी फर्स्ट एरर होता है जो आप कंप्लीट ये आपको शो कर रहा होता है। इसके बाद फिर मैंने उसकी सेटिंग चेंज की तो उस लाइन ज़ीरो उसने शो की, फिर मैंने उससे मशीन नेम डिटेक्ट करवाया, फिर अकाउंट नेम यानी कि यूज़र नेम उससे डिटेक्ट करवाया,
अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो मुझे सिर्फ यूजर नेम और लाइन जीरो ये शो कर रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए अपनी एरर वैल्यूज को स्क्वीज कर सकते हैं। एक लाइन में हमने अपना एरर जनरेट करवा लिया उससे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।